मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे कोई मकसद नहीं था। मैं फ़िलहाल अभी अपनी लाइफ में खुश था, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया पे कुछ एक टाइम से एक अमेंडमेंट आया है अपने देश में, सिटीजन अमेंडमेंट बिल एक्ट 2019, जो अमेंडमेंट किया गया है। देखो, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, यानी कोई एक्ट रहा होगा उसके अंदर संशोधन किया गया होगा। तो इसके अंदर जो ये संशोधन कर रहा है वो है सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसके अंदर संशोधन करके एक बिल लाया गया है, जिसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो रिलीजन माइनॉरिटी हैं, जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, पारसी, इन कम्युनिटीज़ को देश में सिटीजनशिप अलाउ की जाएगी। तो ये एक सिटीजनशिप बिल आया, इसको लेके बहुत जगह कुछ चैनल हैं यूट्यूब पे, तो वो कुछ चीज़ें अपनी तरफ से मनगढ़ंत बता भी रहे हैं और लोगों के मन में कुछ अलग ही मैनिपुलेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या कुछ उनके ऊपर करूँ, या फिर मैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर कोई अलग से कोई वीडियो बनाऊँ। नहीं भाई, मुझे नहीं बनानी थी। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो हजम नहीं हो रही यार। अब तक जितनी भी वो बातें मैंने उनकी सुनी, वो तर्क के साथ जो बोलते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, एक तर्क दे रहे हैं, साथ में वो फैक्ट दे रहे हैं, कुछ चीज़ें वो बता रहे हैं कि ठीक है भाई, वो चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन जो लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड की गई है, जिसके अंदर कोई भी तर्क नहीं है, अपनी जो ओपिनियन धक्के से कोई चीज़ डाली जा रही है, वो चीज़ उन्होंने की, अब उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल में बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं आप देखोगे, तो उसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि ये जो कैब है, CAB यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019, ये डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी भेदभाव करता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये हिंदू और मुस्लिम का जिक्र देखो यार, ना तो गवर्नमेंट ने, ना बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने आज तक कभी किया कि हिंदू मुस्लिम का उन्होंने कोई जिक्र किया हो कि हाँ, हम मुस्लिम को प्रियोरिटी नहीं देंगे, हम हिंदू को प्रियोरिटी देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो अपोजिशन है, या फिर बात करो कि जो यूट्यूबर है, वो अपनी तरफ से ये मनगढ़ंत कहानी बना के बैठते हैं, लोगों के मन में ये चीज वो डालते हैं जानबूझ के कि हाँ भाई, देखो यार, तुम्हारे लिए जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है उसके अंदर ये मुस्लिम के लिए सही नहीं है। बल्कि ऐसा कहीं है ही नहीं यार, जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल का मतलब ये है कि वो सिटीजन प्रोवाइड करेगा, ना कि नागरिकता प्रोवाइड करेगा। यार, खुद होम मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं कि भाई, इससे किसी की नागरिकता का, यानी जिसको भी नागरिकता भारत में है, उसके किसी प्रकार का, उसको कोई अधिकार उसे वंचित नहीं रखा जाएगा। तो किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है? कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि आर्टिकल 14 की अवहेलना हो रही है, उसका हनन किया जा रहा है। किस एंगल से किया जा रहा है भाई? आर्टिकल 14, अगर आप पढ़ा ही नहीं हो तो जो आगे पढ़ो यार। आर्टिकल 14 बताता है राइट टू इक्वलिटी, राइट बिफोर एवरीवन, बिफोर लॉ, मतलब कि हर किसी को समानता का अधिकार है, हर कोई कानून के समक्ष समान है। और दूसरी बात भाई, वो देश के लोगों के लिए है, ना कि बाहर के लोगों के लिए। तो किस तरीके से आर्टिकल 14 का आप कह सकते हो कि उसका हनन किया जा रहा है? यार, तर्क दो तो सही ढंग से दो ना। अब देखो यार, ना तो मैं ये कहता हूँ कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो, ना मैं ये कहता हूँ कि आप उन लोगों की बात पर यकीन करो। आप खुद इन जो अगर वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको इस चीज़ में, टॉपिक में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में आप चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो यार आप एक जिम्मेदार नागरिक है, तो खुद जाके पढ़ो, उस चीज़ को समझो, बात करो, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके एक साइड का आप तर्क बना के बैठ जाओ। यार, क्या इस चीज़ को किसी ने सराहा कि भी बाहर देश, जो भी ये बाहर जो देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन जो देश हैं, इन तीन देश से जो ये माइनॉरिटीज, रिलीजियन माइनॉरिटी अगर देश में आ रही हैं, उनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप भी उठाती है, तो उनको बचाने के लिए देश में लाया जा रहा है, तो किसी ने उसकी सराहना की नहीं की? क्योंकि भाई, उनको एक माइनॉरिटी, एक जो कम्युनिटी है वो बाहर दिखी, वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो वो बाहर दिखी, तो सबको मतलब वो लग गया कि बस एक ये कम्युनिटी कैसे बाहर छोड़ दी, इसको भी लेके अब यार वो एक खुद एक मुस्लिम जो देश है उनके अंदर वैसे ही वो मेजोरिटी में जिनके प्रति अत्याचार हो रहा है वही तो लाए जाएंगे। अब इसके प्रति तर्क बड़े दिए जा रहे हैं, क्यों म्यांमार देश को शामिल नहीं किया गया, क्यों श्रीलंका को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों भूटान को शामिल क्यों नहीं किया गया। अब इसके ऊपर एक चीज़ बताते हैं। देखो यार, अगर आप एक टीचर हैं, आप सोचते हो कि यार मैं कुछ भले का काम करता हूँ, मैं एक
सोसाइटी है उसके अंदर जा जाके मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, चुनिंदा बच्चे हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं या फिर वो कमज़ोर हैं पढ़ाई के अंदर, भाई मैं उनको पढ़ाता हूँ। आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तभी एक बंदा आता है आपको बोलता है भाई तू इनको क्यों पढ़ा रहा है, तो उस बिल्डिंग वाले बंदों को क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो उस बिल्डिंग वाले बंदों को क्यों नहीं पढ़ा रहा। अबे भाई जो वो कर रहा है उसको करने दो ना यार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कर लेगा, इतने जब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि उस वहाँ तक वो जाएगा तो वहाँ पर भी चला जाएगा। यार देखो ये एग्जाम्पल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग ना ये नाव का एग्जाम्पल देखिए, देखो यार बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव हैं तो शायद उनको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल की जो ये बात बोली जा रही है कि सेक्युलरिज्म जो भारत का है वो सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया, यार कौन सा खतरे में आ गया भाई, एक अमेंडमेंट बिल ला देने से जिसमें कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं कि भाई हमें उन हत्याचारों से कोई आज़ाद कराए, वो हमें एक नागरिकता प्रोवाइड कर दे, यार केवल एक ही कम्युनिटी को दी जा रही है, हर जगह सिर्फ हिंदू 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 हिंदू, अरे यार ये कौन से लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम को आपस में ये भिड़ाने में लगे हुए हैं। कहीं पर भी गवर्नमेंट का ये शब्द मैंने नहीं देखा कि हाँ वो ये चीज़ें कर रही हैं, लेकिन कुछ एक न्यूज़पेपर हो गए, कुछ एक यूट्यूबर हो गए, कुछ एक न्यूज़ चैनल हो गए, बस लगे हुए हैं कि भी उनको बताना है जो लोग जो मुस्लिम हैं जो हिंदू हैं वो आराम से जो काम कर रहे हैं भाई वो काम ना करो, आप एक बार एक काम करो आप इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, ये एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, आपके काम काज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ये वो चीज़ें ऐसे कर रहे हैं वो बता रहे हैं। देखो यार किसी का कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर, जो बिल आया है किसी की भलाई के लिए है, केवल एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर इसको शामिल किया गया है, किसी ने इसी को सराहने की बहुत सारी कम्युनिटी इसके अंदर शामिल की गई। यार आप देखो कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जुल्म किए जाते हैं माइनॉरिटी के ऊपर, जो रिलीजियन माइनॉरिटी है उनके ऊपर, हाल फिलहाल में एक आर्टिकल द हिंदू खुद एक जो ये इसका अपोज कर रहा है इस बिल को, जो इसके बारे में लिख रहा है वो खुद इसके उसमें एक आर्टिकल आया था कि कैसे वहाँ पे एक सिख लड़की को जबरन पकड़ के उसका धर्म कन्वर्ट करा के उसको एक मुस्लिम लड़के से शादी करवा दी जाती है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं क्या उनकी कोई आज़ादी नहीं, क्या उनकी अब कोई इनकी हक की कोई बात नहीं करेगा, वहाँ पर जो हो रहा है उनकी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि भाई वो इस देश में आ जाएंगे तो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। यार कितने बड़े शब्द बोल दिया यार, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, कहाँ से रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी भाई, अगर एक कम्युनिटी और ऐड कर दी जाती इसके अंदर तब ये शब्द शायद नहीं निकलता है कि एक रिसोर्सेज की कमी हो जाती, कितने लोग आ जाएंगे, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी भाई, क्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या में, क्या जितने भारत की जनसंख्या है उसके आधे लोग आने वाले हैं क्या, केवल उन जो पाकिस्तान की जनसंख्या है वो 19 से 20 करोड़ की जनसंख्या है, अगर किसी को शक हो कि भाई इतनी जनसंख्या है तो गूगल करके देख लो यार कितनी जनसंख्या है, जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतनी इकलौता उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, अरे उसमें ये बताओ कि कितनी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इस देश में आएंगी तो इसमें देश की रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। यार कुछ ढंग से तर्क दो ताकि लोगों का कुछ नॉलेज हो जान पाए, और मैं इन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि देखो यार किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, खुद अपने दिमाग का यूज़ करो, ये आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, आप लोगों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे, यार प्लीज़ मत करो इन जैसे लोगों पे यकीन, खुद खुद समझो यार क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, बात करो। देखो यार मैं नहीं कहता कि आप किसी गवर्नमेंट के विरोध ना बोलो, बेशक बोलो यार, लेकिन कोई तर्क भी तो होना चाहिए ना उसके पीछे बोलने का, लेकिन आप सिर्फ बोल ही रहे हो उसके विरोध में, उसके ये नहीं बोल रहे कि हाँ भी यहाँ पे जो अत्याचार हो रहे थे, चलो ठीक है जो हत्याचार हो रहे थे अब उनको हत्याचार से मुक्ति मिलेगी, अब ये जो लोग हैं इनको नागरिकता मिल जाएगी, कम से कम ये जीवन सही ढंग से जी पाएंगे, किसी ने ये बात नहीं बोली, लेकिन हिंदू 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 मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम उन लोगों ने अपने चैनल का ये टॉपिक बना के रख लिया है, गर्म टॉपिक है भाई, हाँ भाई हमारे पास अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, चलो भैया हमारे अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप भी कहीं से अच्छे से मिल जाएगी, पैसे भी अच्छे खासे आ जाएंगे, ये सब वो सोच के वो तो कर रहे हैं। देखो यार उनका तो चल रहा है, लेकिन यार अब क्या बताएं, जो जनता का जो नुकसान हो रहा है, उनके दिमाग का जो नुकसान हो रहा है, प्लीज़ यार ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। अब कुछ एक चैनल हैं जो बोल रहे हैं कि जो असम है, जो ये नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हो गए भारत के, इनके यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। देखो यार कोई ये नहीं बताएगा कि आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग जो स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं इन स्टेट को, वो एज इट इज़ रखे जाएंगे, उनके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है। तो अगर किसी को ये शक हो कि भाई हाँ आर्टिकल 371 हटाया जाएगा, नहीं भाई, खुद
होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बात बोली कि आर्टिकल 371 के तहत कुछ भी जो बदला नहीं जाएगा वो एज इट इज रहेगा, यानी आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो ज़मीन है वो उन्हीं लोगों के लिए काम आने वाली है। तो यार कहाँ से क्या यार ये लोग, ये जो न्यूज़ चैनल हो गए या फिर ये जो यूट्यूब चैनल हो गए या इतने बड़े शो कॉल्ड कहें कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो गए, क्या इनको ये बतानी नहीं चाहिए कि यहाँ पे 371 आर्टिकल जो है वो एज इट इज़ रखा जाएगा, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ वो बोलेंगे क्यों यार, अगर वो चीज़ उन्होंने बोल दी तो यार कहीं ना कहीं ये वीडियो, उनकी जो वीडियो है वो कहीं पॉजिटिव वे की तरह चल जाएगी, क्योंकि उन्हें तो वो नेगेटिव में रखना है। पूरा भर के अपना ओपिनियन ऐसे ठूंसा जा रहा है उसके अंदर, बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी की जो मंशा है कि भाई इस दे कि बाहर से जो हिंदू आएंगे वो इस देश में आ जाएंगे और वो वोट बैंकिंग बढ़ा रहे हैं। वाह यार बहुत अच्छे भैया, मतलब अच्छा चल रहा है तुम्हारा, कुछ भी तर्क देना है तो मतलब ये बोल दो यार। 1971 के जो युद्ध हुआ था, जो बांग्लादेश से जो बंगाल में आ गए थे, उनको तो बड़े अच्छे से दिखे, तब तो कोई बोलने वाला नहीं था यार, तब कहाँ गए थे बोलने वाले। तो पूरा उनका, उनके शब्द, उनके बारे में कुछ नहीं, एक लाइन बोल के छोड़ दी जाती है, फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला जाएगा। तो भैया देखो इनका तो कुछ जाना है नहीं, मैं ये जनता से अपील है, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है या अगर यहाँ तक देख रहे हो तो यार शेयर करो, उन लोगों तक पहुँचाओ यार, कुछ नहीं रखा, जीनो दया से ढंग से, ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक बंद करो यार। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है तो किसी की भलाई के लिए आया है, उनको इसका बेनिफिट लेने दो यार। क्यों किसी का ये हिंदू मुस्लिम करके, इससे किसी के रिलीजन आहत नहीं हो रहा, किसी को आर्टिकल, किसी मतलब किसी का अधिकार का हनन नहीं हो रहा। तो प्लीज़ मत करो ये सब चीज़ें, और आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर लगा हो कि हाँ ये बात सही है, और खुद अपने अपने लेवल पे भी चेक करो, अगर ये बात सही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ यार। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।